दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि यही आपको नोटिफाई कराएगा जब हम यूट्यूब पे आएंगे। हेलो पीपल, वेलकम टू रिव्यूनेशन। और आज हम रिव्यू करेंगे टाइगर को। और ये टाइगर नहीं है, ये ब्लैक बक डियर है जो काफ़ी डरा सा है, क्योंकि टाइगर जिंदा है। शू बक। सो बॉलीवुड में सुपरहिट का दूसरा नाम कहे जाने वाले हमारे बजरंगी भाईजान सलमान भाई वापस आ चुके हैं अपनी नई फिल्म के साथ। ईद में अपनी ट्यूबलाइट को जलाने की नाकामयाब कोशिश के बाद ही इज़ बैक दिस क्रिसमस विद अ बैंग, दुनिया को प्रूफ करने की टाइगर अभी जिंदा है। तो यस माई फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू रिव्यू सलमान खान एंड कैटरीना कैफ स्टारर यशराज फिल्म्स की टाइगर जिंदा है। शिकार तो सब करते हैं, लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। एक चीज एडमिट करूंगा कि ट्यूबलाइट देखने के बाद उसका जो हाल हुआ बॉक्स ऑफिस पे, ये देखने के बाद आई वाज लिटिल स्केप्टिकल कि मैं टाइगर जिंदा है देखने फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाऊँ कि नहीं जाऊँ। और बहुत से एक्सपेक्टेशंस थे, ऊपर से थोड़ा डर भी था मुझे। बहुत मुश्किल से टिकट मिला है टाइगर जिंदा का, सब शोज हाउसफुल चल रहे हैं, बहुत मज़ा मारे यार। जल्दी तैयार हो जाता हूँ, निकलता हूँ पिक्चर के लिए। भगवान करे ट्यूबलाइट जैसी ना हो, प्लीज़। मज़ा आना चाहिए। बाल वाल सेट हो गए, अच्छे से सेट है, क्या दिख रहा है, छावा एकदम। ऐसी कुछ डर और एक्सपेक्टेशन के साथ मैं फिल्म देखने गया था, और फिल्म ख़त्म होने के बाद क्या मेरी एक्सपेक्टेशन रियलिटी से मैच हुई कि नहीं, ये तो रिव्यू ख़त्म होने तक आपको पता चल ही जाएगा। तो वक्त ज़ाया किए बगैर बात करते हैं फिल्म की स्टोरी के बारे में। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। तो फिल्म की कहानी बेस्ड है एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे, जहां 2014 में हिंदुस्तान की कुछ नर्सेस को इराक में हॉस्टेज बना के रखा गया था बाय ISIL। तो उसी प्लॉट को लेके एक काल्पनिक फिल्म बनाई गई है, टाइगर जिंदा है। तो एक था टाइगर जहां पे ख़त्म होती है, सलमान खान और कैटरीना कैफ ISI और रॉ को चकमा दे के फरार हो जाते हैं। उसके 8 साल बाद शुरू होती है टाइगर जिंदा है की कहानी। तो सलमान खान की जो एंट्री है कमाल की है, सलमान खान फैंस को बहुत पसंद आएगी। सीधा एक्शन पैक रोल में वो स्क्रीन पे आते हैं, सीटियां और तालियों की गर्जनाहट हो जाती है। यू विल सी टाइगर फाइटिंग विद अ पैक ऑफ वुल्फ्स, यू विल रियली इन्जॉय इट। तो सलमान खान अपनी बीवी जोया के साथ, उनका एक बच्चा भी है उनके साथ, वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। फिर ये इंसिडेंट हो जाता है और पूरी देश में बात चलती है कि किस तरह से हिंदुस्तान की नर्सेस को बचाया जाए। रॉ में जब ये डिस्कशन होता है तो सब लोग एक ही नाम के साथ आते हैं कि ये काम हर कोई कर सकता है, तो वी नीड द बेस्ट एंड दैट इज़ टाइगर। तो वो सलमान खान भी ये बात समझते हैं कि जब उनको ये चीज़ पता लगती है, वो अपनी तरफ से अपफ्रंटली कॉन्टैक्ट करने के लिए एनकोडेड सिग्नल भेजने लगते हैं रॉ को कि किस तरह से वो ट्रैक कर ले और ये उनके कॉन्टैक्ट में आ जाए। और फिर आपको ये फिल्म में पता चलेगा कि किस तरह से टाइगर और जोया इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से अपनी टीम बनाते हैं जिसमें ISI और रॉ के एजेंट्स हैं, और सब लोग मिलकर एक मिशन पर निकलते हैं अपनी हिंदुस्तान की नर्सेस को बचाने के लिए इराक में बाय अबू उस्मान, जो फिल्म के विलन है, उस टेररिस्ट ग्रुप के लीडर हैं। टाइगर और जोया और उनकी टीम मिलकर हिंदुस्तान की नर्सेस को बचा पाएंगी या नहीं बचा पाएंगी, उनको हिंदुस्तान वापस ला पाएगी या नहीं ला पाएगी, अबू उस्मान को हरा पाएगी या नहीं हरा पाएगी, ये स्टोरी है टाइगर जिंदा है की। इससे ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं बताऊँगा, जाके पिक्चर देखो। बस एक छोटी सी चीज़ बताऊँगा, खासकर सलमान खान फैंस के लिए, कि सलमान भाई इस फिल्म में शर्ट उतार रहे हैं, और इसमें जो उतार रहे हैं ना, जो बॉडी दिखा रहे हैं, कमाल की है। जितनी फिल्में मैंने उनकी देखी है जहाँ पे वो शर्ट उतारते हैं, इस फिल्म में कमाल का है। तो तालियां सीटियां बजाने के लिए या सुनने के लिए तैयार हो जाओ सलमान खान फैंस, कि भाई तो अपना जलवा दिखा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं फिल्म के USP के बारे में। फिल्म की USP की बात करूँ तो फिल्म की सबसे बड़ी USP है हिमसेल्फ सलमान खान, और उनके साथ साथ कैटरीना कैफ। सलमान खान कैटरीना कैफ बहुत टाइम के बाद एक दूसरे के साथ पर्दे पे दिखाई देंगे, तो इनकी केमिस्ट्री कमाल की है, तो ये देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सेकंड USP है फिल्म का एक्शन, और आपको एक्शन फिल्में पसंद है और एक था टाइगर का एक्शन आपको अच्छा लगा होगा, तो यहाँ पे एक लेवल अप है, यहाँ का एक्शन कमाल का है, तो आपको बहुत पसंद आएगा।
और तीसरा यूएसपी नहीं, मैं कहूँगा एडवांटेज है, क्योंकि दिसंबर में कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है, तो टाइगर जिंदा है को कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो बिल्कुल आराम से ये टाइगर इस दिसंबर महीने के जंगल का राजा बन सकता है। तो चलिए बात करते हैं फिल्म के डायरेक्शन और एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस के बारे में। तो डायरेक्शन की कमान संभाली है अली अब्बास जफर ने, जिन्होंने गुंडे और सुल्तान बनाई थी। तो इस फिल्म में उनका काम काफ़ी अच्छा है, उन्होंने बहुत कमाल का डायरेक्शन किया है, और ये एक एक्शन पैक्ड फिल्म है जिसमें बहुत से एक्शन सीन्स हैं, तो उनको बहुत अच्छी तरह से फिल्माया गया है। फ्रेम बाय फ्रेम इज़ वेरी नीट एंड स्लीक, और फिनिशिंग बहुत अच्छी है एक्शन सीन्स की, और उन्होंने वो टेम्पो मेंटेन रखा है। एक हाई पिच ड्रामा है फिल्म में, तो वो टेम्पो जो है वो बरकरार रखते हैं, कहीं भी लो नहीं होता। तो उनकी डायरेक्शन को हमारी तरफ से हम रेट करेंगे 4.5 out of 5। अब बात करते हैं एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस के बारे में। तो सलमान खान के बारे में मैं क्या कहूँ, ही इज़ फैबुलस, फैंटेबुलस, बहुत कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं। जिस तरह का एटीट्यूड और जिस तरह की डायलॉग डिलीवरी और जिस तरह का स्टाइल और स्वैग की ज़रूरत है, सब कुछ उनमें है, और ये चीज़ मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्प्रेस मैं हूँ जोया से, मीन्स कटरीना कैफ से, क्योंकि पार्ट वन में उन्हें उतना स्कोप नहीं मिला था। शी वॉज अ हीरोइन प्यार मोहब्बत रोमांस नाच गाने के लिए, तो यहाँ पे वो एक्चुअली एजेंट लग रही है, जो कहा जा था कि उसमें वो एजेंट है, तो यहाँ पे एक्चुअली लग रही है, क्योंकि वो बहुत फिट लग रही है, कमाल के एक्शन सीन्स कर रही है, और सिचुएशंस में जिस तरह से एक एजेंट एक्ट करेगा वो परफेक्टली एक्ट कर रही है। उसके साथ साथ फिल्म में बहुत लोगों को शायद पता ना हो, परेश रावल भी है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा जब वो स्क्रीन पर आएंगे, कमाल का है, यू विल इन्जॉय इट। उनके साथ साथ फिल्म के जो विलन हैं अबू उस्मान, साजाद दिलफ्रूस, उन्होंने भी डिसेंट काम किया है, पर और थोड़ा बेहतर होता, उस कैरेक्टर को और थोड़ा बेहतर बनाया जाता तो शायद और मज़ा आता फिल्म में, क्योंकि टाइगर इज़ लाइक समथिंग सुपर हीरो, तो विलन भी उतना सुपर चाहिए, तो दोनों टकराते तो और ज़्यादा मज़ा आता। तो मैं नहीं कहूँगा उन्होंने ख़राब परफॉर्मेंस किया है, बट उतना बेहतर भी नहीं किया, ही इज़ डिसेंट। उसके साथ साथ बाकी जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, उन्हें जितना भी फिल्म में मिला उन्होंने उसे ठीक ठाक अच्छा ही काम किया है। तो परफॉर्मेंस के मामले में व्यूअल रेट 3.5 out of 5। तो चलिए बात करते हैं फिल्म के म्यूज़िक के बारे में। टाइगर जिंदा है के म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक कमाल का है, इट इज़ वेरी कैची, माइंड ब्लोइंग। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, इज रूलिंग ऑल द म्यूज़िक चार्ट्स एवरीवेयर। किसी की भी बर्थडे पार्टी हो या शादी हो, गाना सल्लू भाई का ही बज रहा है। लोग बाराती का स्वागत पान पराग से करे ना करे, स्वैग से ज़रूर कर रहे हैं। आतिफ असलम का गाया हुआ गाना दिल्लियाँ गलना, ये एक फ्रेश गाना है जो एक मोहब्बत रोमांस प्यार भर देता है समा, सो इट इज़ कम्प्लीटली ऑसम। तो टाइगर जिंदा है की म्यूज़िक को हमारी तरफ से मिलता है फुल ऑन फुल मार्क्स, आर रेटिंग 5 out of 5। चलिए बात करते हैं फिल्म की ओवरऑल रेटिंग के बारे में। तो मैं ये कहूँगा फिल्म काफ़ी एंटरटेनिंग है, मज़ेदार है, कमाल की है। स्टोरी में थोड़े बहुत लूप होल्स है, लेकिन जो कमाल कमाल के सीन्स हैं वो उसको शेडो कर देते हैं। परफॉर्मेंस कुछ लोगों की बहुत कमाल की है, कुछ एक्टर्स की अगर और बेहतर होती, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट निभा रहे हैं, और थोड़ी बेहतर होती तो सोने पे सुहागा हो जाता। पर फिर भी एक्शन कमाल का है, पिक्चराइजेशन कमाल का है, और म्यूज़िक आपको एंटरटेन रखता है। तो आर ओवरऑल रेटिंग इज़ 4 out of 5। और जैसा मैंने कहा था कि क्या मेरी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी मैच हुई कि नहीं, तो मैं तो कहूँगा मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि फिल्म ट्यूबलाइट से अच्छी हो, तो मेरी रियलिटी है ट्यूबलाइट से बहुत अच्छी है। और इस साल भर में बहुत सी फ्लॉप फिल्में आई हैं, कुछ कुछ अच्छी फिल्में आई हैं जो आपको एंटरटेन रखती है, तो ये उनमें से एक है। तो मैं तो कहूँगा फिल्म हिट नहीं, सुपर हिट है, और शायद बहुत जल्दी ही 100, 200, 300, उससे ज़्यादा तो बोल भी नहीं सकता मैं, औकात से बोलना पड़ता है, तो कर कमा सकती है। गाइस, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो। इफ़ यू एग्री विद आवर रिव्यूज प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और यू कैन ऑल्सो टेल अस व्हाट यू वांट मोर इन रिव्यूनेशन। तो हम फिर लौटेंगे बहुत जल्द आपके पास, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, और एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि फिर ज़रूर मिलेंगे। सो
Goodbye.